First question on your screen, who has won gold medal for the country at World Cadet Wrestling Championship which is taking place in Budapest, Hungary? टोटल हमने इसमें 13 मेडल्स जीते थे एंड उसमें हमने 5 गोल्ड जीते थे. तो इस क्वेश्चन का जो करेक्ट आंसर है वो है जी ऑप्शन नंबर बी, प्रिया मलिक. सेकंड क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन एंड ये कुछ डिटेल्स हैं अबाउट प्रिया मलिक. 73 केजी कैटेगरी में इन्होंने जीता. चाइल्ड सर्विस स्कीम हैज बीन लॉन्च्ड बाय विच ऑफ द फॉलोइंग इंडियन स्टेट? मिक्स्ड आंसर्स आ रहे हैं. करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन इज उत्तर प्रदेश, यूपी. नेक्स्ट क्वेश्चन इज सिकिल आर भास्कर हु पास्ड अवे, ही वाज द रिनोड हु, ये कौन थे? ये कोई एग्जैक्टली वॉयलिन बजाते थे, तो वॉयलिनिस्ट इज द करेक्ट आंसर फॉर दिस क्वेश्चन. नेक्स्ट क्वेश्चन ऑन योर स्क्रीन, विच कंट्री हैज बिकम द वर्ल्ड फर्स्ट कंट्री टू अप्रूव द कमर्शियल प्रोडक्शन ऑफ जेनेटिकली मॉडिफाइड गोल्डन राइस? Exactly, it's Philippines. Recently, which bank has selected Pasalo Digital as its national corporate business correspondent? इसमें एक्चुअली करेगा गया एसबीआई रूरल एरियाज में कियोस्क लगाएगा, सो डेट की जो भी हमारे फार फ्लंग एरियाज के लोग हैं उनको बैंक जाके इंडिविजुअली जाने की जरूरत नहीं है, कियोस्क में भी जाके ये सारे जो भी काम रहते हैं रिलेटेड टू बैंकिंग वो वहां पे सॉर्ट आउट कर सकते हैं. हु हैज बीन गिवन एडिशनल चार्ज ऑफ चेयरमैन ऑफ नेशनल हाईवे अथॉरिटी ऑफ इंडिया? एग्जैक्टली इट्स अरमाने ग्रेदर. ओके, रोड ट्रांसपोर्ट एंड हाईवेज सेक्रेटरी हैं. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक बैंक विद ए सोल इक्विटस? एग्जैक्टली इट्स सी के गरियाली. हु फ्रॉम मीडिया हैज बीन अपॉइंटेड एज वन ऑफ द मेंबर ऑफ यूनाइटेड नेशन टैक्स कमेटी for the period 2021 to 2025 term? It's Rashmi Ranjan Das. Exactly. Pedro Castillo has become the president of which country? It's Peru. World first 3D printed steel bridge opened in which of the following country? Exactly, Netherlands ki capital Amsterdam mein se open kiya gaya. And 12 meter long steel structure ye bridge rahe. Okay, jo questions maine starting mein aapse questions puche the, तो ये आंसर्स भी आपके आगे जो आपने आंसर्स खुद किए थे. ओके, अब कुछ और क्वेश्चंस भी हैं, इनके आंसर्स भी बताने की कोशिश कीजिए. ये तो क्वेश्चन फॉर श्योर एवरीवन कैन आंसर. इंडिया फर्स्ट नेशनल डॉल्फिन रिसर्च सेंटर कहाँ पे ओपन होगा ये? एग्जैक्टली पटना. नेपाल के प्राइम मिनिस्टर फॉर द फिफ्थ टर्म कौन बने हैं? लेट सी, शेर बहादुर देबुआ जो बने हैं प्राइम मिनिस्टर नेपाल के.
यूनियन मिनिस्टर नितिन गडकरी हैज इनॉग्रेटेड फर्स्ट प्राइवेट एलएनजी लिक्विफाइड नेचुरल गैस प्लांट इन विच इंडियन सिटी? एग्जैक्टली नागपुर. ट्विटर हैज अपॉइंटेड होम एज इट्स रेसिडेंट गेवेंस ऑफिसर फॉर इंडिया? एग्जैक्टली विनय प्रकाश. एंड हु हैज बिकम द फर्स्ट मेंबर टू बी सिलेक्टेड फॉर जजिंग द जिम्नास्टिक कंपिटिशन फॉर ओलंपिक गेम्स? एग्जैक्टली इट्स दीपक कबरा. Which of the following country has reported the case of norovirus? So, norovirus case report kiya is country ne? UK. Basically, England mein around 250 plus cases report kiye gaye the. So, ye aap yaad rakhe. Recently, Sweden joins International Solar Alliance. Who is India's ambassador to Sweden? Ye maine aapse kal bhi question pucha tha. Exactly, it's Tanmay Lal. Who has been named differently abled sportsperson of the year at India Sports Honor for the year 2019? Exactly, it's Pramod Bagar. Okay. The Union government will set up how many virology research and diagnostic laboratories during this 15th Finance Commission 2021-22 se lekar 2025-26 ke between? And chairman kaun hai 15th Finance Commission ke, ye bhi comment karke bata dijiye. Exactly NK Singh. 42 is the correct answer for this question. कारगिल विजय दिवस एग्जैक्टली हमने 22वीं लाइक एनिवर्सरी सेलिब्रेट किया 26 जुलाई को. ओके द इंडियन गवर्नमेंट हैज साइंड अ लोन एग्रीमेंट विद बैंक टू डेवलप ग्रीन नेशनल हाईवे कॉरिडोर प्रोजेक्ट. Exactly, it's World Bank. Which species of fish has been caught in UP, Bihar, and Jharkhand for the first time in 3 decades? Exactly, name of this fish is Hilsa fish. Leopus. Dlamini has become the Prime Minister of which country? Eswatini is the correct answer. NEA Scott is a new spacecraft of which among the following space agency? It's the space agency headed by Bill Nelson, that is NASA. And NEA means Near Earth Asteroid Scout. NSE Foundation, National Stock Exchange Foundation, in partnership with Niti Aayog and UNICEF, has launched which program to spread awareness on COVID-19 vaccination in India? Exactly, it's Kavach, and Kavach stands for COVID-19 and vaccination assistance for health, assistant campaign for health. Who is the author of the book Our It? Exactly, it's
लोलो जोन्स। अकॉर्डिंग टू द लैंसेट रिपोर्ट, हाउ मेनी चिल्ड्रंस इन इंडिया हैव लॉस्ट देयर प्राइमरी केयर गिवर्स, पेरेंट्स और कस्टोडियल ग्रैंड पेरेंट्स ड्यू टू कोविड-19? इट्स 1.2 लाख। Who has become the first Indian space tourist selected by Virgin Group? It's option number C, Santosh George Kulangera. Who is the author of the book The India Story? It's option number D, Bimal Jalan. Okay, ये answers आ गए आपके. Now कुछ और questions हैं. Let's see how many can answer this. Who has been conferred with United Nations Commonwealth Light of Point Award? ये question कल भी था, as a revision फिर से आया आपके लिए. Still comment down. Syed Azwar उस्मान जिन्हें सम्मानित किया गया यूनाइटेड नेशन कॉमनवेल्थ लाइट ऑफ अवार्ड से, जूरी मेंबर फॉर टोक्यो ओलंपिक्स ये हैं जी पवन सिंह, वन ब्लॉक वन प्रोडक्ट स्कीम हरियाणा, फास्टेस्ट टू रीच 6000 रन एज एन ओपनर इंडियन क्रिकेटर शिखर धवन, एंड आईआईटी विच आईआईटी हैज डेवलप्ड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस बेस्ड मैथमेटिकल मॉडल एनबी ड्राइवर, तो इसे बनाया है आईआईटी मद्रास द्वारा. एग्जैक्टली. काकातीय रुद्रेश्वर टेम्पल जिसे एज ए 39th यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज लिस्ट ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया गया, ये कहाँ पे ये बताइए. एग्जैक्टली इट्स तेलंगाना. एंड रुद्रेश्वर टेम्पल और रमप्पा टेम्पल दोनों नाम हैं, आपको इसमें याद रखना. रिजर्व बैंक ऑफ इंडिया हैज अलाउड इट लोन्स अप टू हाउ मच अमाउंट टू अदर बैंक्स डायरेक्टर विदाउट बोर्ड अप्रूवल, यानी कि इफ यू आर द डायरेक्टर ऑफ एनी बैंक यू कैन टेक द लोन ऑफ हाउ मच रुपीज, दिस इज द क्वेश्चन फॉर यू, जिसे आरबीआई द्वारा अप्रूवल दे दिया गया. एग्जैक्टली यू कैन टेक द लोन अप टू 5 करोड़ रुपीज. हु इज द ऑथर ऑफ द बुक एन ऑर्डिनरी लाइफ पोर्ट्रेट ऑफ एन इंडियन जनरेशन? Exactly, Vice President of Asian Development Bank, that is Ashok Lavasa. Who is the author of the book Renegades, Born in USA, a very important book? Exactly, it's option number A and B, Barack Obama and Bruce Springsteen द्वारा इन दोनों मतलब इस बुक को लिखा गया, ये आपको याद रखना. Promised Land बुक का नाम आप जरूर याद रखें बराक ओबामा की, ओके वो जरूर आप याद रखें. एंड ड्रीम्स फ्रॉम माई फादर ये भी बुक बराक ओबामा की है, वो आप याद रखें, इम्पोर्टेंट है. बिकमिंग बुक मिचेल ओबामा की, वो आप याद रखें. Kerala's oldest student Bhagirathi Amma, who passed away recently, has cleared her 4th standard equivalency examination at what age? It's 105 years. And inki jo death hui wo 107 saal ki age mein hui. Just hold a second. Next question is, what is the name of Indian Army skying expedition which was flagged off at Karugaram and ise ye Malarin Uttarakhand tak ye chala, 6th of July ise conclude kiya gaya. So you have to answer the name of this program. Not in this room. It's RMX 21.
थिंक देर इज सम इशू इन वॉइस, जस्ट होल्ड ऑन. ओके आई थिंक नाउ इट्स क्लियर. ओके मैक्स बुपा हेल्थ इंश्योरेंस हैज रीब्रांडेड एज इट्स नेवा बुपा हेल्थ इंश्योरेंस. When is Aayakar Divas or Income Tax Day celebrated by CBDT in India every year? Exactly, 24 July. Now comment down who is the chairman of CBDT right now. Let's see, कौन आंसर कर पाता. Exactly, संदीप का आंसर आया है and श्रीनिवास श्याम का आंसर आ चुका है. सभी आंसर जो जो आंसर करेगा आई एम गोइंग टू रीड द नेम. रमन जेबी मोहपात्रा जो अभी 3 मंथ के लिए उन्हें बनाया गया है. द हिस्टोरिक पैसियो डेल प्राडो बोल विलर्ड एंड रेटिरो पार्क ऑफ मैड्रिड इसे इन जो स्पेन में है इसे यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट ग्रांट किया गया. Who has been appointed as the vice president of Abu Dhabi Chamber of Commerce and Industry? जिन्हें अभी रिसेंटली अबू धाबी का हाईएस्ट सिविलियन अवार्ड से भी सम्मानित किया गया. That is Yusuf Ali. And who is TV Narendran? Let's see कितने बताते हैं. Exactly. Confederation of Indian Industry के प्रेसिडेंट हैं. Who is S.V. Raman? Who is S.V. Raman? Exactly, SIDBI के जो चेयरमैन है. And who is N.V. Raman? For sure, Chief Justice of India. Exactly. And now comment down, हमारे जो Chief Justice है S.V. Raman, N.V. Raman, ये कौन से इंडियन स्टेट्स हैं बेसिकली ये बताइए. Exactly. आंध्र प्रदेश फ्रॉम कृष्णा डिस्ट्रिक्ट ऑफ आंध्र प्रदेश. नाउ कमेंट डाउन दीज आंसर्स. लेट्स सी. नेम द इंडियन इकोनॉमिस्ट हु हैज बीन अपॉइंटेड एज असिस्टेंट सेक्रेटरी जनरल एंड हेड ऑफ न्यूयॉर्क ऑफिस ऑफ यूनाइटेड नेशन एनवायरमेंट प्रोग्राम. Amartya Sen is not the correct answer. देखो इंडिया का फर्स्ट डिजिटल यूनिवर्सिटी. ट्राई टू आंसर. केरल. एग्जैक्टली डिजिटल यूनिवर्सिटी केरल में है. एंटी करप्शन चैंपियन अवार्ड किसे दिया गया ये बताइए. अंजलि भारद्वाज चेयरमैन ऑफ नेशनल कमीशन फॉर शेड्यूल कास्ट ये बताइए. विजय संपाला ओके एनीवन कैन आंसर दिस फर्स्ट टू क्वेश्चंस. Okay, don't worry. On which day World Hepatitis Day is observed? Sushant Singh, exactly. India's come first, Sushant Singh. It's 28 July. Now, without like option, toh yahan nahi hai. Comment down what was the theme of this year, World Hepatitis Day, jo humne 28 July ko observe kiya. आप आंसर्स करें. थीम ऑफ वर्ल्ड हेपेटाइटिस. एग्जैक्टली हेपेटाइटिस कांट वेट. एग्जैक्टली वेरी गुड. ओके हु हैज बीन अपॉइंटेड एज अ डायरेक्टर जनरल ऑफ ब्यूरो ऑफ सिविल एविएशन सिक्योरिटी.
एग्जैक्टली इट्स नासिर कमल। अब मैं गणपति के उनके टेन्योर खत्म हो गया, नाउ नासिर कमल चीफ मिनिस्टर ऑफ कर्नाटका न्यू कौन बने? हाँ एग्जैक्टली इट्स बसवराज बोम्मई। यूनियन मिनिस्टर अमित शाह हैज लॉन्च ग्रीन सोरा एफॉरेस्टेशन कैंपेन इन विच इंडियन स्टेट? एग्जैक्टली मेघालय का 12th डिस्ट्रिक्ट बना था एक, कमेंट डाउन। देखते हैं कौन बताता है, मायरन। एग्जैक्टली विच कंट्री हैज लॉन्च 6 month कैंपेन टू क्लीन अप इंटरनेट ऐप वायोलेटिंग कंज्यूमर राइट्स? एग्जैक्टली चाइना। यूरोपा क्लिपर इज अ मिशन ऑफ विच स्पेस एजेंसी? इट्स नासा। एंड बेसिकली यूरोपा क्या है, यूरोपा इज वन ऑफ द मून ऑफ जुपिटर। उसकी डिटेल्ड इन्वेस्टिगेशन के लिए स्टार्ट किया गया यूरोपा मिशन। विच कंट्री इज वर्किंग टू डेवलप ए सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जोगा जोग एज एन ऑल्टरनेटिव टू फेसबुक? इट्स बांग्लादेश। एंड कमेंट डाउन विच यू, हमारा एक इंडियन यूनिवर्सिटी है जो बांगा बंधु चेयर बनाने वाला है। सो कमेंट डाउन नेम ऑफ दिस इंस्टीट्यूशन। एग्जैक्टली IIT दिल्ली। वेरी गुड, बांग्लादेश इज द करेक्ट आंसर। एग्जैक्टली दिल्ली यूनिवर्सिटी, नॉट IIT दिल्ली, इट्स दिल्ली यूनिवर्सिटी। एग्जैक्टली विच कंट्री हैज एक्टिवेटेड वर्ल्ड फर्स्ट क्लीन कमर्शियल न्यूक्लियर रिएक्टर? इट्स चाइना। एक्साइज इंदिरा 2021 इंडिया एंड विच कंट्री के, कौन से कंट्री के बिटवीन होती है ये चल भी रही है अभी? इट्स रशिया। ओके 13th अगस्त तक ये चलेगा एंड वोल्वोग्राड रशिया में चल रहा है। इंदिरा एक्साइज ना, जो मिलिट्री एक्साइज है। इंटरनेशनल टाइगर डे एग्जैक्टली 29th जुलाई। इंटरनेशनल मॉनिटरी फंड द्वारा जो प्रोजेक्शन लगाया गया 9.5% हमारा GDP रहेगा, पॉजिटिव रहेगा। ओके धोलावीरा इन गुजरात, ये हमारा 40th यूनेस्को हेरिटेज लिस्ट इंक्लूड किया गया इसमें। नाउ वी हैव 40 यूनेस्को वर्ल्ड हेरिटेज साइट्स इन इंडिया। ओके ये आप याद रखें। एक हमारा मिक्स कैटेगरी में आता है। नाउ कमेंट डाउन जो नेचुरल भी आता है प्लस कल्चरल भी आता है, तो वो कौन सा हमारा जो साइट है यूनेस्को, कमेंट कीजिए। नॉट आसाम। एग्जैक्टली आंसर आ चुका है, लेट मी सी किसने आंसर किया सबसे पहले। सीरियसली आई एम नॉट एबल टू रीड बिकॉज लाइट, काफी लाइट कलर यहाँ दिख रहा है। एंड आंसर तो किसी ने किया है कंचनजंगा नेशनल पार्क, जो आपको सिक्किम में मिलेगा, वो मिक्स कैटेगरी में आता है। ओके धोलावीरा आ गया हमारा गुजरात का। ये आंसर्स आ गया आपके। ये क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। इंडिया इज बिल्डिंग ए मेगा इसरो ग्राउंड स्टेशन इन विच कंट्री फॉर एशियन कंट्रीज? वियतनाम। एग्जैक्टली हु इज द ऑथर ऑफ द बुक इंडिया टू द रेस्क्यू? देखते हैं कुछ कोई आंसर बता पाता है या नहीं। ओके थर्ड क्वेश्चन का बताइए, चलो ये तो आप बता ही सकते हो। विच रेल मेट्रो रेल कॉरपोरेशन हैज इंडिया लॉन्च फास्टैग फैसिलिटी, यानी कि अब आपको पार्किंग के लिए भी फास्टैग आप यूज कर पाते हो। ये दिल्ली के कश्मीरी गेट में से स्टार्ट किया गया।
आमिर खान की मूवी कौन सी है जिसे नेशनल फिल्म आर्चीज ऑफ इंडिया में इंक्लूड किया गया? पीके, एग्जैक्टली। क्विज वॉन लाइक विंबलडन टाइटल, मैन सिंगल का टाइटल किसने जीता है? वुमेन सिंगल का पूछ रहा है इसमें, ये बताना आपने। ओके ओके ओके, इनके आंसर्स अभी आपको मिल जाएंगे, डोंट वरी। विच सिटी हैज बिकम द फर्स्ट सिटी इन इंडिया वेयर पीपल कैन अवेल 24/7 हाई क्वालिटी ड्रिंकिंग वाटर? इट्स पूरी। एक और सिटी बना है इसी स्टेट का जिसमें 100% वैक्सीनेट हुआ है, वो भुवनेश्वर हुआ। एग्जैक्टली, मेरे क्वेश्चन पढ़ने से पहले आप आंसर्स कर रहे हो, वेरी गुड। हैज बीन अपॉइंटेड एज अ दिल्ली पुलिस कमिश्नर? एग्जैक्टली, राकेश अस्थाना। हु इज द ऑथर ऑफ द बुक व्हाई वी नील हाउ वी राइस? Exactly, Michael Holding. Which app was recently launched by Education Minister Dharmendra Pradhan to gather information about rivers across India? It's Nadi Ko Jano, Know the River. Who has been appointed as the Managing Director of HCL Technologies Limited? जो सीईओ भी हैं, इन्हें मैनेजिंग डायरेक्टर भी बना दिए गए, सी विजय कुमार। 10 मोर क्वेश्चन टू गो। सिंगापुर सनशिप ग्रुप इज प्लानिंग टू स्पेंड 2 बिलियन टू बिल्ड वर्ल्ड लार्जेस्ट फ्लोटिंग सोलर फार्म एंड एनर्जी स्टोरेज सिस्टम इन विच ऑफ द फॉलोइंग कंट्री? इट्स इंडोनेशिया। Which state has reported India's first case of H5N1 in humans? Exactly, it's Haryana. According to the report by World Health Organization, Asia Pacific region में 2019 की अगर बात की जाए तो जो डूबने की वजह से डेथ्स हुई हैं कितने प्रतिशत हैं आउट ऑफ टोटल deaths due to drowning? And 25th July को World Drowning Day Prevention Day observe किया जाता है, so it's 61%. Okay, Brazil landscape garden Sítio Belo Marx receive UNESCO World Heritage status. And Japan के Momiji Nishaya became one of the youngest individual Olympic champion in the history. When she won the inaugural skateboarding gold at the age of 13 years and 330 days. And अगर मैं youngest gold medalist की बात करूं, इसमें जो नाम दर्ज है वो है जी मारोजी गैस्ट्रिंग का। बेसिकली इन्होंने टीम इवेंट में जीता था, जापान की मोमेजी निशाई इंडिविजुअल कैटेगरी की यंगेस्ट बनी। एंड इन केस ऑफ टीम इवेंट अगर एक एज ए प्लेयर ये थी मोरेजी गैस्ट्रिंग, 1936 जो गेम्स हुए थे बर्लिन में इन्होंने यहाँ जीता था। एंड एट दैट टाइम शी वाज ओनली 13 इयर्स एंड 268 डेज। वर्ल्ड नेचर कंजर्वेशन डे इज ऑब्जर्व्ड ऑन व्हिच डे? एग्जैक्टली, इट्स 28th जुलाई। देवराना स्कीम टू प्रमोट Ayurveda has been launched by which of the following Indian state? It's Madhya Pradesh. Okay, ye answers aa gaye aapke. Okay. Inke answers ab bataiye. Polis city in India to be recognized as the tree city of the world. फर्स्ट का हैदराबाद, वेरी गुड। क्रिस मॉरिस को कौन सी टीम ने खरीदा है जी? मोस्ट एक्सपेंसिव, लगभग 1650 करोड़ का, 16.25 करोड़, नॉट 1600, इट्स 1650 करोड़, यानी 16.25। इट्स राजस्थान रॉयल्स। फर्स्ट स्टेट और यूटी यूनियन टेरिटरी जिसने कार्बन वॉच लॉन्च किया है मोबाइल एप्लीकेशन टू असेस द कार्बन फुटप्रिंट्स ऑफ इंडिविजुअल?
दिस इज चंडीगढ़। विच कंट्री हैज बिकम द फर्स्ट टू अपॉइंट द मिनिस्टर फॉर लोनलीनेस आफ्टर कंट्री सुसाइड रेट इंक्रीज फॉर द फर्स्ट टाइम इन 11 ईयर्स। सो इट्स जापान। एंड फर्स्ट कंट्री कौन सा बना है जिसने COVID-19 वैक्सीन मतलब इसको मिले हैं थ्रू वर्ल्ड बैंक वर्ल्ड हेल्थ ऑर्गेनाइजेशन बैंक प्रोग्राम कोवैक्स। द कंट्री इज गाना। काजीरंगा मानस एंड ओरंग टाइगर रिजर्व आर लोकेटेड इन विच इंडियन स्टेट। ये है जी आसाम में। एंड टोटल 14 टाइगर रिजर्व्स को एक्रेडिटेशन दिया गया, ग्लोबल एक्रेडिटेशन दिया गया, वो आप याद रखें। एंड ये तीन भी उसमें से हैं। ओके, टोटल वाइल्ड लाइफ सेंचुरीज तो आप लोग जानते हो 52 है। लाइक टाइगर रिजर्व्स की अगर मैं बात कर रहा हूँ, 52nd टाइगर रिजर्व बना था रामगढ़ वाइल्ड लाइफ सेंचुरी। एंड श्रीवेलापुथुर मेगा मिलाई 51st टाइगर रिजर्व बना था जो तमिलनाडु। फॉर्मर क्रिकेटर माइक हेंड्रिक हु पास्ड अवे रिसेंटली हेल फ्रॉम विच कंट्री। सो ये है जी फ्रॉम इंग्लैंड। सो गाइस फॉर दिस डे आज के लिए इतना ही। आज हमने 60 क्वेश्चंस किए, हमने अभी तक अराउंड 240 क्वेश्चंस कर लिए हैं जुलाई मंथ के। तो आई होप आपको ये काफी ज्यादा लाइक इंटरेस्टिंग लग रहा है, आपको काफी चीजें नई जानने को मिल रही हैं। नाउ व्हाट यू हैव टू डू, देखो जुलाई मंथ में अभी कुछ करंट अफेयर्स और भी हैं, सो आई डोंट वॉन्ट टू स्किप एनी क्वेश्चन। सो डोंट वरी, कल भी मैं एक क्लास लाऊंगा जिसके बाद हमारा जुलाई मंथ का करंट अफेयर सारा कवर हो जाएगा। एंड फिर उसके बाद आपको स्टडी मटेरियल में एक फाइनल PDF मिलेगा। इतना जरूर करूंगा, कहूंगा कि वो PDF गो थ्रू जरूर करें। वो PDF में आपको सारे क्वेश्चन जो यहाँ मैंने शेयर किए वो मार्क्ड मिलेंगे, कंपाइल्ड मिलेंगे स्टडी मटेरियल कॉलम में। सो बस आज के लिए इतना ही। थैंक यू फॉर वॉचिंग दिस लाइव स्ट्रीम। उम्मीद करूंगा आपको पसंद आए। एक बार कमेंट करके जरूर बताइए कि आपको ये कैसा लगा ये वीडियो। एंड थैंक यू सो मच एवरीवन रोहित एंड बाकी जितने भी आंसर क्वेश्चन स्टूडेंट्स हमें ज्वाइन कर रहे हैं जिन्होंने ज्वाइन किया हमें। थैंक यू सो मच एवरीवन, थैंक यू एंड सबको गुड नाइट। कल मिलते हैं फिर विद न्यू क्लास एंड कल हम जुलाई को कंक्लूड कर देंगे। एंड आई होप विद दिस क्लासेस आपका करंट अफेयर्स काफ़ी अच्छे से प्रिपेयर हो रहा है। और ये लेक्चर्स आपके यहीं पर रहेंगे, आप रिकॉर्डेड सेक्शन में जाके फिर से भी वॉच कर सकते हो। बाकी अब जो जुलाई जिन्होंने लाइव देखा है तो उनको तो डोंट नीड टू वरी। मिलते हैं फिर कल न्यू क्लास के साथ। थैंक यू, टेक केयर, गुड नाइट, सी यू सून।